शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्कार, एनपीएस खाते से पेमेंट कैसे निकालें, एनपीएस खाते से निकालने के क्या क्या नियम है, यूजर आईडी पासवर्ड क्या होंगे, पेमेंट हेतु अप्लाई कैसे करें, साथ ही बात करने वाले पूरे प्रोसेस की। लेकिन उससे पहले नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अन्य साथियों के साथ जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सभी के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे जरूरतमंद हर एक साथी के साथ जानकारी साझा हो सके। साथियों एनपीएस से विड्रॉ करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशन है तो बात करने वाले लिखा गया है, फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ कंडीशनल विड्रॉल। सब्सक्राइबर शुड बी इन एनपीएस एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स, कम से कम 3 साल के लिए वह एनपीएस में होना चाहिए था। आगे लिखा गया विड्रॉल अमाउंट विल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई द सब्सक्राइबर। अगर आपने जितना भी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया उसके 25% से ज़्यादा आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। साथ ही लिखा गया विड्रॉल कैन हैपन मैक्सिमम 3 टाइम्स ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप पूरे टेन्योर में 3 बार मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको किस तरह से अप्लाई करना है इसके लिए आप गूगल क्रोम या जो भी आपका ब्राउजर है उसमें लिए चलता हूं। तो गूगल में जाकर सबसे पहले हमें सर्च करना होगा NSDL CRA। जैसे हम सर्च करेंगे जो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखाया गया है NSDL CRA, उस पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास NSDL CRA की ऑफिशियल साइट खुल के आ जाती है, जिसमें हमें यहाँ एंट्री करनी होगी। आप देख सकते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड, यूज़र आईडी में हमें अपना एनपीएस नंबर जो है वो लगाना होगा, पासवर्ड में हमें जो पासवर्ड है वो और कैप्चा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, याद नहीं है, तो सबसे पहले हमें रीसेट पासवर्ड पर जाना होगा। आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। आप देख सकते हैं रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन, और ये दूसरा ऑप्शन दिखाया इंस्टेंट सेट या रीसेट पासवर्ड। तो आप इसके लिए सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे ही सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको दिखाया जाता है सेट रीसेट आई पिन विया नोडल ऑफिसर जनरेट OTP। तो जनरेट OTP से हम रीसेट पासवर्ड करेंगे, और यहाँ पे हमें सबसे पहले प्राण नंबर, DOB, रिसीव OTP, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और कैप्चा करेंगे। जो भी हमारे पासवर्ड रीसेट करना चाहें हम कर सकते हैं, और उसके बाद में हम अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाया जाता है। तो हमें सबसे पहले जब भी हमें अगर अपना एनपीएस से विड्रॉ करना है उसके लिए ट्रांजेक्ट ऑनलाइन इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको यहाँ पर विड्रॉ करना है तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपके सामने दिखाया गया है विड्रॉ, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। विड्रॉ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर एक 4 ऑप्शन दिखाए जाते हैं, उनमें से हमें सबसे पहले ऑप्शन पार्सल विड्रॉ फ्रॉम टायर फर्स्ट इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आगे हमारे सामने ओके पर क्लिक करने के बाद प्राण नंबर दिखाया जाता है। अगर प्राण नंबर सही है चेक करने के बाद तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमारी सारी डिटेल, नाम, प्राण नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह जो भी डिटेल्स है सब दिखाई जाएंगी। आप इनको एक बार चेक कर सकते हैं, और साथ ही आपका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन कि आपके हिस्से का कितना रुपये यहाँ जमा किया गया है, और पर्पज ऑफ विड्रॉल, रिविड्रॉल के पर्पज आप देख सकते हैं दिखाया गया है, और उससे ऊपर परसेंटेज ऑफ विड्रॉल। आप मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें तो 25% तक मैक्सिमम निकाल सकते हैं, इससे अधिक नहीं निकाल सकते। तो मैक्सिमम 25% तक आप कितना भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भर सकते हैं। और जैसे हम वहाँ 25% तक डालते हैं तो नीचे ऑटोमेटिक कितना आपका 25% अमाउंट होता है वो आपका शो हो जाएगा। अब पैसे निकालने का रीजन बात करें तो हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन, और अलग अलग तरह के रीजन दिखा रखे हैं। जो भी आपका सही रीजन हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और सही ऑप्शन को चूज करके हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने इंटरफेस दिखाया जाएगा, कितना अमाउंट आपके सामने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्या क्या डिटेल आपकी है, और उसके नीचे आपके अकाउंट डिटेल्स भी आपके सामने दिखाए जाएंगे कि आपके जिस अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा उस अकाउंट के डिटेल्स दिखाए जाएंगे। अगर आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब सही हैं चेक करने के बाद में, अगर सही हैं तो आपको कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। अपलोड फाइल्स में कोई फाइल अपलोड नहीं करनी होगी, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट जो विंडो वेरीफाई दिखाया जाएगा उसमें चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद में ऑनलाइन वेरीफिकेशन, मतलब जो आपका वेरीफिकेशन है वो करवाना है। तो जैसे ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप फेस सही कर लेगा तो उसके बाद में लिखा हुआ आएगा बैंक डिटेल्स आर सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको नीचे दिए गए बटन कन्फर्म पे क्लिक करना होगा।
तो जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपके पास दो तरह के ओटीपी होंगे, एक मोबाइल नंबर पे आने वाला ओटीपी होगा, एक मेल आईडी पर आने वाला ओटीपी होगा, दोनों हमें डालने होंगे। और ओटीपी डालते ही कंफर्म करते ही आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। और इस प्रकार आप अपने हिस्से का एनपीएस में जमा जो भी राशि है उसका 25% तक निकालने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। बाकी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य से लिखें, आपके किसी भी समस्या का समाधान करने में मुझे खुशी होगी। बाकी साथियों अन्य शिक्षक साथियों या अन्य जो भी कार्मिक हैं उन सभी के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे किसी भी जरूरतमंद साथी की सहायता हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ।